राजस्थान चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। मई 199 सीटों में से बीजेपी को 115 सीटें मिल गई है। अब बीजेपी जल्द सरकार बनाने का दावा लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेगी। इसी बीच बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी के सीएम पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बालकनाथ योगी, दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत नामों की चर्चा है। वहीं राजे गुट किसी भी तरह से इस मौके को चूकना नहीं चाहता। राजे के घर पर फिलहाल 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं। ऐसे में हलचल तेज हो गई है। इधर तिजारा विधानसभा जीतने के बाद बाबा बालकनाथ को भी भावी सीएम कहा जा रहा है। आज ही वह दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय भी पहुंच गए हैं। इस बीच बाबा बालकनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भी राजस्थान का सीएम बनने की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। खबर यह भी है कि राजस्थान में जो सांसद विधानसभा चुनाव में जीते हैं वे संसद सदस्य से इस्तीफा देंगे। राजस्थान में 7 सांसदों को पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, उनमें 4 ही जीते हैं। जबकि पूरे चुनाव के दौरान अपने दावों को लेकर चर्चा में रहा फलोदी बाजार ने भी अनुमान जता दिया है। सट्टा बाजार का दावा है कि अगर राजे को सीएम नहीं बनाया गया तो ऐसी संभावना है कि वे विधायकों को तोड़कर कांग्रेस के साथ सरकार का नया समीकरण बना सकती हैं। हालांकि राजस्थान तक बाजार के दावों का समर्थन नहीं करता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो यहां किरोड़ी लाल मीना को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। राजस्थान तक ने आदिवासी क्षेत्र में मीना समाज से सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछे तो लोगों ने कहा आदिवासी समाज का कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है। किरोड़ी लाल मीना प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीना ने अकेले दम पर विपक्ष की भूमिका निभाई है। जिन लोगों के नाम मुख्यमंत्री के लिए आ रहे हैं वो पूरे 5 साल में एक बार भी किसी भी मुद्दे के लिए संघर्ष नहीं किया है। लोगों का कहना है कि इसलिए हम चाहते हैं किरोड़ी लाल मीना को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए।